हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ब्रिजेश है। वेलकम टू माय चैनल टीम रॉयल्स वेस्टिज। गाइस, आज हम बात करेंगे वेस्टिज इनकम कैलकुलेशन सीरीज पार्ट टू के लिए। जो वेस्टिज की जो इनकम कैलकुलेशन है एज पर आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान, वो मैं आज सिल्वर डायरेक्टर के लिए आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमें एज ए सिल्वर डायरेक्टर मिलता है, क्या टर्म एंड कंडीशन फॉलो होती हैं, क्या कैलकुलेशन है और क्या स्ट्रक्चर पे हमें वर्किंग करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि मैं वेस्टी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूँ। फर्स्ट आता है फंड्स यू विल गेट। आपको क्या क्या फंड्स यहाँ से मिलता है जो सिल्वर डायरेक्टर। फर्स्ट आता है परफॉर्मेंस बोनस, और इसके साथ आता है ट्रैवल फंड, और तीसरा आता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, चौथा आता है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। जी हाँ दोस्तों, चार टाइप की इनकम आपको यहाँ से एज ए सिल्वर डायरेक्टर मिलती है, और क्या कंडीशन है इनको फुलफिल करने के लिए। तो पहला आता है कि 5500 पीवी का बिजनेस क्रिएट करना होता है, मतलब कि 11% लेवल आपको क्वालिफाई करना होता है, और आपके डाउनलाइन में एक ड्रोन डायरेक्टर क्वालिफाई कराना होता है, उसे भी 5500 पीवी प्लस 11% का लेवल अचीव करना होता है, और उसी के साथ उसे अपना साइट लेवल मेंटेन करना होता है 2001 पीवी के साथ में, तो आप प्रमोट हो जाते हैं सिल्वर डायरेक्टर के लिए। और ऐसे ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग से जो है एलओबी आपको मिलेगी, 5625 पीवी का बिजनेस आपका क्रिएट होना चाहिए। जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्रिएट हुआ है आपके डाउनलाइन में, तो एलओबी आपको तभी मिल पाएगी तब आपका 5625 पीवी का एक सिंगल लैग से, जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग है उस लैग से आपका 5625 पीवी का बिजनेस क्रिएट होगा एक सिंगल मंथ में, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं एलओबी के लिए। और चौथा जो आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो आता है सिल्वर डायरेक्टर के लिए जो है आप बन जाते हैं तो साइड मेंटेन आपको करना होता है 1801 पीवी के साथ में, जो कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग को छोड़ के आपको 1801 पीवी का बिजनेस क्रिएट करना होता है एक सिंगल मंथ में, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं परफॉर्मेंस बोनस, ट्रैवल फंड, बिजनेस बिल्डिंग बोनस प्लस लीडरशिप और राइडिंग बोनस के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलने से पहले अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं और क्या स्ट्रक्चर पे हमें वर्किंग करनी होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड आती है, सपोज कीजिए आपने 11% लेवल अचीव किया, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है 11% लेवल अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले 5500 पीवी का बिजनेस क्रिएट करना होता है, और उसके साथ में आपका जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग है उस लैग से आपका 2500 पीवी का बिजनेस क्रिएट हुआ है, और उसी के साथ में जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग है वहाँ से आपको एक डाउनलाइन में भी एक 1850 पीवी का बिजनेस क्रिएट हुआ है, और ऐसे ही सी भी एक डाउनलाइन मेंबर है ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग का, तो वहाँ से आपको 1850 पीवी का बिजनेस क्रिएट हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ टोटल आपका एज ए ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग जो बिजनेस क्रिएट हुआ एक सिंगल मंथ में हुआ है 6200 पीवी का। तो इसमें 2500 प्लस 1850 प्लस 1850 हम कैलकुलेट करते हैं, तो टोटल बिजनेस जो क्रिएट हुआ है ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग से वो हुआ है 6200 पीवी का। और ऐसे ही जो आपका साइड लेवल मेंटेन आपने करना होता है, तो उसमें डी आपका ब्रॉन्ज डी आपके साइड मेंटेन करने के लिए डाउनलाइन है डी, तो वहाँ से 750 पीवी का बिजनेस क्रिएट हुआ है, मतलब कि 8% लेवल पे है। ऐसे ही ई भी एक डाउनलाइन है आपके जो है 750 पीवी का बिजनेस क्रिएट किया, मतलब वो भी 8% लेवल पे हैं। और ऐसे ही एफ ने भी 750 पीवी का बिजनेस क्रिएट किया, तो वो भी 8% लेवल पे हैं। तो टोटल जो आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग को छोड़ के जो साइड मेंटेन हुई है वो हुई है 2250 पीवी की, जबकि साइड लेवल मेंटेन करने के लिए आपको 1801 पीवी का बिजनेस क्रिएट करना होता है एक सिंगल मंथ में। बढ़िया, आपने 2250 पीवी का बिजनेस क्रिएट किया है, तो दोस्तों आप यहाँ पे क्वालिफाई कर गए हैं सिल्वर डायरेक्टर के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आती है, पहला आता है जो इनकम वो है परफॉर्मेंस बोनस। जी हाँ दोस्तों,
परफॉर्मेंस बोनस जो टोटल पीवी आपका 2250 इंक्लूडिंग सेल परचेजिंग आपका है, तो 2250 का डिफरेंशियल इनकम हम निकालेंगे क्योंकि वो 8% पे है, आपका लेवल है 11% पर, तो डिफरेंशियल इनकम जो आएगी वो आएगी 3%, तो 2250 का 3% निकालेंगे तो 67.5 पीवी आपका एज ए ब्रॉन्ज एज ए परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है। उसके बाद में 67.5 पीवी को मल्टीप्लाई करेंगे 18 बीवी के साथ में, क्योंकि एक पीवी इज इक्वल टू 18 बीवी होता है, और इनकम जो वेस्टेज में आती है वो आती है बीवी पे बिजनेस वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, तो 67.5 पीवी को मल्टीप्लाई करते हैं 18 बीवी से, तो 1215 रुपये आपको एज ए परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। तो आपकी पहली इनकम है। ऐसे ही नेक्स्ट इनकम आपकी आती है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो है ये वेस्टीज का कंपनी का टर्नओवर का 14% आपको मिलता है। तो यहाँ पे साइड पीवी जो मेंटेन किए थे 2250 पीवी किए थे, तो उसका आपको 6% मिलता है, तो 2250 का 6% हम निकालते तो 135 पीवी आता है। और ऐसे ही जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग है वहाँ से आपका 6200 पीवी का बिजनेस क्रिएट हुआ था, तो वहाँ से आपको 5% एज ए बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है, तो 6200 का 5% हम निकालते हैं 310 पीवी आता है। और दोनों को टोटल करते हैं तो 445 पीवी आपके एज ए बिजनेस बिल्डिंग बोनस बनते हैं, और इसको फिर 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 बीवी से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो पॉइंट वैल्यू है वो है बिजनेस बिल्डिंग बोनस की 0.83। दोस्तों जो पॉइंट वैल्यू है वो मैंने अपनी एज ए प्रूफ मैंने कैलकुलेशन की हुई है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो वो आपको आई बटन में जाके मिल जाएगी। तो आप वहाँ से बिजनेस बिल्डिंग बोनस की जो पॉइंट वैल्यू आई है वो कैसे आई है वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 0.83 पॉइंट वैल्यू है, तो 445 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 0.83, तो टोटल यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो 6648 रुपये आपको एज ए बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलते हैं। और ऐसी नेक्स्ट जो इनकम आती है वो आती है ट्रैवल फंड की, तो ये आपकी तीसरी इनकम है एज ए सिल्वर डायरेक्टर। इनकम जो है ट्रैवल फंड वो थर्ड पार्ट है, तो साइड पीवी मेंटेन जो है 2250 हुआ है, तो उसका 6% हम एज ए ट्रैवल फंड मिलता है, तो 135 पीवी आपके जो साइड पीवी मेंटेन हुए हैं वहाँ से 135 पीवी मिले हैं, प्लस आपका जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग है वहाँ से 6200 पीवी का बिजनेस क्रिएट हुआ था एक सिंगल मंथ, तो वहाँ से आपको 5% एज ए ट्रैवल फंड मिलता है, तो 310 पीवी आपको वहाँ से मिलते हैं। तो टोटल हम कैलकुलेट करते हैं तो 445 पीवी एज ए ट्रैवल फंड मिलता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 बीवी के साथ में, और मल्टीप्लाई बाई ट्रैवल फंड पॉइंट वैल्यू जो है यहाँ पे है 0.32। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई, वो भी आपको आई बटन में जाके मिल जाएगी, तो वहाँ से इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि कैसे पॉइंट वैल्यू आया है। तो 445 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 0.32, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2563 रुपये एज ए ट्रैवल फंड आपको मिलते हैं। अब आगे चौथी इनकम की बारी जो आती है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो कि वेस्टीज की सबसे बड़ी इनकम है, तो इसकी जो पॉइंट वैल्यू उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो आप आई बटन में जाके उसे भी चेक कर सकते हैं कि कैसे 2.40 एज ए लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस का पॉइंट वैल्यू आया है। तो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के लिए हमें जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर लैग है वहाँ से 5625 का 5% हमें एज ए लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलता है, तो 5625 का 5% हम निकालते हैं तो 281.25 पीवी आपका आता है एज ए लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, और इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं 18 पीवी के साथ में, और मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट वैल्यू के साथ में 2.40 के साथ, तो 281.25 मल्टीप्लाई बाई 18 और मल्टीप्लाई बाई 2.40। तो यहाँ दोस्तों आपका कैलकुलेट होके आता है 12150 रुपये। दोस्तों देख रहे हो सबसे बड़ी इनकम आपको वेस्टीज में एज ए लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलता है, तो सिल्वर डायरेक्टर की सबसे बड़ी इनकम है, और सभी डायरेक्टर लेवल्स में आप देखेंगे नेक्स्ट जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा तो सब में लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस का जो कैलकुलेशन है वो
वो बहुत ज़्यादा आता है, अमाउंट ज़्यादा आता है। तो यही पावर है वेस्टीज की, यही पावर है कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर एम्पावरमेंट को बढ़ावा देती है वेस्टीज कंपनी। तो दोस्तों, टोटल इनकम आपकी एज ए सिल्वर डायरेक्टर जो आती है एक सिंगल मंथ में, वो आती है 22,576 रुपये। इसमें आपका परफॉर्मेंस बोनस है, प्लस आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस है, ट्रैवल फंड है, और सबसे बड़ी इनकम जो है लीडरशिप और राइडिंग बोनस, वो अमाउंट आपका इसमें ऐड है। तो टोटल इनकम एज ए सिल्वर डायरेक्टर आपको मिलती है 22,576 रुपये। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आप दूसरों अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी नॉलेज प्लस वेस्टेज क्यों करना है और क्या इनकम कैलकुलेशन आती है तो वो समझ सकें। तो थैंक यू, विश यू वेल्थ।